त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज वोटिंग का दिन था, 25 तारीख का दिन था, वोटिंग हो चुकी। 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था और 3 बजे के बाद वोटिंग हो गई। हाँ, हल्की फुल्की कहीं ना कहीं पे कुछ अप्रिय घटना घटित हुई है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और प्रशासन द्वारा समझाइश कर दी गई है। हालांकि मैं बता दूं आपको, बघोर में ही कुछ मतदाता थे जो अपनी कुछ बात को लेकर अड़े हुए थे, पर्ची को लेकर अड़े हुए थे। उसके बाद वहाँ पर जिला कलेक्टर और SP पहुँचे और पूरे प्रशासन पहुंचा, समझाइश वगैरह दी गई। काफ़ी समझाइश वगैरह के बाद में जाकर सॉर्ट आउट हुआ और मामला को लिया। कहीं ना कहीं पर जो बीच में पानी गिरा उसके वजह से थोड़ा सा दिक्कतें हुई। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज लगभग 65-70 के आसपास परसेंटेज जाना चाहिए संभवतः। अभी तो क्लियर आंकड़ा नहीं मिल पाया है क्योंकि कुछ जगह पर अभी वोटिंग हो रही है और कुछ जगह पर वोटिंग जो है समाप्त हो चुकी है क्योंकि वहाँ मतदाता नहीं थे। अब देखना होगा कि पूरे हमारे विजुअल में भी लगातार देख रहे हैं कि ये बघोर का विजुअल है, जिस प्रकार से बघोर में लोग हंगामा कर रहे थे, हल्ला कर रहे थे, उस बीच में लेकर ये सारी बातें हुई है। और चुनाव को लेकर हमने जिला कलेक्टर से भी हमने बात किया, पुलिस अधीक्षक से भी हमने बात किया। आइए सुनते हैं कि उनका क्या स्टेटमेंट रहा और कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे निर्वाचन को देखा, निर्वाचन की प्रक्रिया को उन्होंने अपनाया। बड़े उत्साह के साथ मतदान कर रहे थे और 347 मतदान केंद्र हैं यहाँ सियावल में और लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ किया। महिलाओं ने भी बहुत उत्साह के साथ वोटिंग की है और हमारी मतदान की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से वो संपन्न हुई है। जो अभी 3 बजे तक जो लोग आ गए थे उनको पर्चियां दी गई थी, उन लोगों का अभी मतदान करवाया जा रहा है, तो वो अभी मुझे लगता है आधा घंटा और चलेगा तो उसके बाद पूरी मतदान कार्रवाई पूरी हो जाएगी हमारी। और छोटी मोटी शिकायतें समस्याएं आती हैं अव्यवस्था की, इसकी उनको सबको हमारी टीम ने बढ़िया तरीके से सुलझाया और शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, सभी लोग संतुष्ट हैं। और कलेक्टर साहब सुबह से ही इसमें भ्रमण कर रहे हैं और जो हमने जहाँ तक देखा है इस बार के मतदान में सबसे ज़्यादा उत्साह महिलाओं का रहा है और यंगस्टर का रहा है। काफ़ी लोग बड़ी तादाद में बिल्कुल तैयार थे, वो काफ़ी लंबी लंबी कतारें भी लगी थी और सबने बड़े उत्साह से इसमें मतदान भी किया है। कुछ जैसा अभी कलेक्टर साहब ने बताया, छोटी मोटी कुछ शिकायतें आई हैं तो हम लोगों ने उसमें जहाँ भीड़ भाड़ हुई थी वहाँ व्यवस्था बनवाई है, जहाँ पर कुछ और तरह की शिकायतें थी वो भी दुरुस्त कराई, तो कुल मिलाकर शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है। जिले से मैं राजीव गुप्ता, कैमरामैन राजबहोर के साथ। खुल गया खुल गया खुल गया। लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स, गुरुद्वारा रोड, मोरवा, सिंगरौली, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ हर प्रकार की छपाई ऑफसेट मशीन द्वारा किया जाता है। छपाई का काम कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। लेटर पैड, शादी कार्ड, कैरी बैग, पंपलेट, पोस्टर, आई कार्ड, बुक वर्क, मैगजीन, कैलेंडर, बिल बुक, स्टिकर आदि काम किए जाते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9479712700, 7805818106। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।